नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जानवरों से जुड़ी हुई कुछ बातें। हम सभी जानते हैं कि हर कोई व्यक्ति अपने घर में कोई ना कोई जानवर रखता है जो कि उसे शौक होता है, पालने का शौक होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं व्यक्ति जो अपने घर में जानवरों के लिए इसलिए जगह बनाते हैं ताकि उनके साथ रहना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि जानवर आप रखते तो हैं लेकिन उन जानवरों से आपके घर में कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक चीजें आ जाती हैं, जिसकी वजह से जिससे आपके जीवन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ने के कारण आपके जीवन में बाधाएं, समस्या और कई भी नक्षत्र बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन जीने की शैली बहुत ज्यादा ही बिगड़ जाती है। तो जानते हैं आज ऐसे कौन से जानवर हैं जिन्हें आप अपने घर में रखते हैं तो वे नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव दिखाते हैं। नंबर एक, कुत्ता। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर सभी ज्यादातर व्यक्ति अपने घर में कुत्ते को ज्यादा जल्दी पालते हैं, क्योंकि कुत्ता एक सेफली जानवर होता है और घर की गार्डनेस के लिए सभी लोग कुत्ते को सबसे परफेक्ट मानते हैं। इंसान घर में रहने वाले व्यक्तियों को तो जल्दी पहचान लेता है और यदि कुत्ते को अगर बाहर का इंसान गली के क्या घर से बाहर से भी गुजर के जाने वाला भी होगा ना, उसके ऊपर भी भौंकना शुरू कर देता है। तो ये कुत्ते की खास आदत होती है। वैसे हिंदू धर्म में माना जाता है कि कुत्ता भैरव भगवान का रूप है और कुत्ते को हम भैरव भगवान के रूप में पूजते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन की वृद्धि हो और धन की वृद्धि होने के साथ साथ आपके घर से जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी दूर हो जाए, उन चीजों का जल्दी से कोई ना कोई ऐसा तरीका हो जिसे आप दूर कर सकें, तो आप अपने घर में कुत्ता जरूर पालें। और कुत्ता पालने के साथ साथ उसे खाना भी खिलाएं, क्योंकि आप अगर अपने घर में कुत्ते को पालकर अपने ही घर में खाना खिलाते हैं तो ऐसा करने से भैरव भगवान खुश होते हैं और जिसकी वजह से आपके घर में धन की समृद्धि होती है। दो, मेंढक। मैंने कई बार आपको बताया है कि फेंग शुई के अनुसार यदि हम मेंढक यानी कि अगर आप मेंढक की फोटो या फिर तांबे का मेंढक अपने घर में रखते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होता है। क्योंकि अक्सर सुना होगा कि अगर आप अपने घर में मेंढक रखते हैं या मेंढक को पालते हैं या अगर आपके बस में नहीं है कि आप मेंढक की देखभाल कर सकें तो आप चांदी या फिर तांबे के मेंढक को अपने घर में रखते हैं। ऐसा करने से आपके घर में बीमारियां कोसों दूर रहेंगी और यदि आप चाहते हैं कि आपका हर काम बने तो आप मेंढक को देखकर घर से बाहर निकलें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में शुभ अवसर प्राप्त होगा और उसके साथ साथ आपके जीवन से बीमारियां नाम की चीजें भी खत्म हो जाएंगी। नंबर तीन, तोता। हमने अक्सर सुना है कुछ लोग अपने घर में तोता लेकर आ जाते हैं, तोता या फिर मैना या फिर जोड़ा खरीद कर ले आते हैं और अपने घर में पालन पोषण करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो तोता नकल करता है, जिसकी वजह से हम उसे नकलचित भी कह सकते हैं। क्योंकि तोता जिस तरह से हम बोलते हैं, हमारे बोलने का तरीका, और उसे भी वही चीजें बोलना आना शुरू हो जाता है जैसे आपके साथ रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति या छोटा सा बच्चा आपके साथ रहना शुरू कर रहा है। यदि आप अपने घर में तोता लेकर आते हैं तो तोता भी आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं की बाधाओं को दूर कर देता है। कहा जाता है तोता को पहले ही पता चल जाता है कि कोई भी समस्या आपके जीवन में आने वाली है, तो इसलिए वह पहले ही आपको आगाह कर देता है कि आपके जीवन में समस्या आने वाली है, उसका समाधान पहले ही कर ले। तो इसलिए अगर आप तोता रखते हैं तो आपकी आने वाली समस्याओं का पहले से ही पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी ऐश्वर्य आए यानी कि धन दौलत और या फिर जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं वह सब आपको प्राप्त हो, तो आप अपने घर में घोड़े का या तो चित्र लगा सकते हैं या अगर आप उस घोड़े को पाल सकते हैं या अपने घर में उसके लिए जगह बना सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि यदि आप अपने घर में उस घोड़े के लिए आप अपने घर में जगह बनाते हैं और उसे खाना देते हैं और अपने साथ रहने सहने के लिए आप उसे प्रेरित करते हैं या फिर अपने जीवन की शैली में उसे शामिल करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और यदि आपकी चाहत और ऐश्वर्य को पाना चाहते हैं तो घोड़े की सेवा करना ना भूलें, क्योंकि घोड़े की सेवा करने से ही आपको ऐश्वर्य मिलेगा, क्योंकि वह हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य के लिए ही प्रतीक माना जाता है। अगर आप अपने घर में वैभव चाहते हैं, लक्ष्मी माँ की कृपा चाहते हैं तो आप अपने घर में कछुए को जरूर रखें, क्योंकि कछुआ वैभव का प्रतीक माना जाता है और लक्ष्मी माँ उसी जगह विराजमान हो जाती हैं जहाँ पर अगर आप अपने घर में कछुआ रखते हैं। और कछुए को इस जगह पर रखें कि वह जगह हर किसी को दिखाई दे, या फिर आने वाला व्यक्ति हो या फिर जाने वाला व्यक्ति, घर से निकलने वाला व्यक्ति भी उस कछुए को देखकर ही निकले तो वह जिस काम के लिए भी जा रहा होगा वह उसका काम बन जाएगा। और
यदि आप अपने घर में आ रहे हैं और किसी चीज से डिप्रेशन में हैं, तो आप उस कछुए को देखकर सारा डिप्रेशन भूल जाएंगे और खुश हो जाएंगे और अपनी जिंदगी की शैली में उस कछुए की भूमिका अपने जीवन में अच्छे से उतारेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति का माना जाता है कि यदि आप अपने घर में कछुए को रखते हैं तो वह आपकी जीवन शैली में परिवर्तन तो करता है, साथ के साथ वह आपको वैभव भी प्राप्त करता है। मछली, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर में मछली ले आते हैं, और यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े या फिर कलह होती रहती है और वह कलह इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपके सदस्यों के बीच में मतभेद हो जाता है, और यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति वाला माहौल हो, तो उस शांति वाले माहौल को प्राप्त करने के लिए आप अपने घर में मछलियों को जरूर जगा दें, क्योंकि मछलियों को जगा देने के लिए आप अपने घर में शांति को जगा देंगे और अपने जीवन में भी उस शांति को लेकर आएंगे जो आपके जीवन से बिल्कुल चली गई है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार के सदस्यों के बीच में कोई भी मतभेद ना हो और घर के सभी सदस्यों के बीच प्यार हमेशा रहे, तो उसके लिए आप रंग बिरंगी मछलियाँ अपने घर में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में शांति वाला माहौल रहेगा और लड़ाई झगड़े से भी दूर रहेगा। तो ये हैं वह जानवर यदि आप अपने घर में रखते हैं, तो इन्हें रखने से आपको सकारात्मक रूप से बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है, लाभ मिलता है और समृद्धि भी मिलती है। तो यदि आप चाहते हैं ये सब प्राप्त करना, तो इन जानवरों को अपने घर में जरूर रखें और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।